इस तरीके की कार्रवाई किया जाता, किसान हमारा दुश्मन है। लाल किले पे किसी ने चढ़े थे, किसी ने अपमान किया। लाल किला हमारा एक पहचान है, हमारा एक धरोहर है। अगर अमित शाह जी जैसा इतना ताकतवर एक स्वराष्ट्र मंत्री रहते हुए कुछ उपद्रवियों ने कैसे ये लाल किले में पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है ये कि लाखों की तादाद में हमारे सुरक्षाकर्मी, और खासकर देखिए एक बात, सबसे बड़ा बात यह है देखिए कि 26 जनवरी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा तैनात होते हैं, सबसे ज्यादा, आगे पीछे कोई नहीं। 26 जनवरी हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित दिवस होते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी है, राफेल दिखाते थे, हमारे बहुत सारे और कुछ दिखाते थे, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने उसी के बीच कैसे लाल किले पहुंच गए, इसका कोई तब्दीश नहीं होगी, इसका कोई पहचान नहीं होगी। आपको सारे दिल्ली में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ड्रोन है, सैटेलाइट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज तक किसी को यह जानकारी नहीं है कि किसने हुआ गए, कैसे हुआ झंडा गड़ा, कैसे झंडा लगाया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी की पहले हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से ये बयान आया था कि पाकिस्तान में कुछ हैंडलर ये गड़बड़ी करने का साजिश कर रहे हैं। जब आपके पास में इतने सारे जानकारियां है, पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं उसका जानकारी आपके पास है, लेकिन यहां क्या हो रहा है उसके जानकारी आपके पास नहीं है। सच तो यह है कि आप खुद चाहते थे कुछ घटना घटे, क्योंकि आम लोगों को निगाहों के भटकाया जाए, यही तो बात है ना। यह आपकी सोची समझी सुनियोजित एक साजिश है। इस साजिश के चलते आप अपने लोगों को किसान सजाकर बनाकर ये झंडा गाड़ने के लिए और झंडा फहराने के लिए और लाल किले में पहुंचा दिया। आपने ये काम किया, अगर सही ढंग से तब्दीश हो तो पता चलेगा ये कोई नहीं, ये षड्यंत्रकारी कोई किसान नहीं, षड्यंत्रकारी सेफ और सेफ ये सरकार की नुमाइंदे है, सरकार इसके पीछे है। अगर नहीं है तो आप जेपीसी बैठाओ, हमें सारे वो जो सीसीटीवी के सारे क्लिप हमें दिखाओ।